नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 13 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि के अंदर स्थित रहेंगे। शुक्र 31 मार्च को चेंज हो रहे हैं और 25 अप्रैल तक मीन राशि के अंदर रहेंगे। बुध का भ्रमण होगा 9 अप्रैल को मीन राशि में। 9 तारीख तक वो मेष राशि के अंदर बुध का भ्रमण रहेगा। 2 से 25 अप्रैल तक, यानी कि 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बुध वक्र अवस्था में रहेंगे और वक्री अवस्था में शुरू के 2 से लेकर 9 तारीख तक रहेंगे मेष राशि में और 9 तारीख से भ्रमण होगा उनका मीन राशि के अंदर और उसमें फिर वक्री भ्रमण शुरू होगा। इस प्रकार से ग्रह गोचर बुध का है। मंगल जो है वो 23 अप्रैल को मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये आपके लग्न के स्वामी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल और इस महीने मंगल आपके 11वें स्थान पर रहेंगे 23 तारीख तक, यानी कि ऑलमोस्ट शुरू के 23 दिन तक 11th हाउस में भ्रमण रहेगा। लग्न के अंदर गुरु रहेंगे और सूर्य यहां पर उच्च के होंगे 13 अप्रैल से। 13 तारीख को सूर्य का जो भ्रमण हो रहा है और वो आपके लग्न के अंदर होगा, गुरु और सूर्य की युति बनेगी। यहां पर बुध को भी हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि बुध की जो प्लेसमेंट है ये महीने बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं बुध में। लग्न के अंदर बुध रहेगा और बुध का भ्रमण 9 तारीख तक लग्न के अंदर है और 2 से लेकर 9 तारीख तक वो लग्न के अंदर ही वक्र अवस्था में रहेंगे। बाद में 12वें घर में चले जाएंगे तो शुरू के कहते हैं ना कि 2 से लेकर 9 तारीख तक बुध का प्रभाव भी आपके लग्न के अंदर दिखेगा और वक्री प्रभाव है ये। तो ये सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और मुझे लगता है कि ये अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली समय लेकर आएगा और लग्नेश का 11वें स्थान में जाना ये महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। जो भी लोग टीचिंग प्रोफेशन में है, जो भी एक कहते हैं ना गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 13 तारीख के बाद का समय बहुत ही एक्सलेंट है स्टूडेंट्स के लिए। और यहां पर एक चीज कहूंगी कि टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जो टीचर्स हैं, जो एक तरह से आध्यात्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों के लिए शुरू के 23 दिन का समय बहुत अच्छा है। जो भी बड़े कार्य आप करना चाहते हैं, मुझे लगता है 23 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं टेक्निकल पर्सन के लिए, आईटी क्षेत्र के अंदर है या कोई भी डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर भी है, तो आपके लिए बहुत ही भाग्यकारक परिस्थिति बनती है। द्वितीय भाव की बात करती हूँ। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र बनकर, जो शुक्र का प्लेसमेंट देखते हैं कि 31 तारीख से शुक्र का प्लेसमेंट मीन राशि में 25 तारीख तक रहेगा, द्वितीयेश बनकर वो 12वें घर में जाएंगे, तो फैमिली के अंदर एक तरह से कहूं कि विवादित अवस्था है। मुझे लगता है अपनी वाणी का परिवार के अंदर जब भी आप उपयोग करते हैं तो बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। परिवार के पीछे कुछ खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। मुझे लगता है आपकी सेविंग्स इस महीने बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। इस महीने खर्च के अंदर बहुत वृद्धि है और ट्रैवलिंग के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, फैमिली टूर के पीछे कहीं पर खर्च हो सकता है, या फैमिली के अंदर कुछ एक्सपेंस ऐसा होगा जो आपको, मुझे लगता है नेसेसरी आपको करना पड़ेगा, तो उसके पीछे कुछ एक्सपेंस होता हुआ मुझे नजर आता है। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि ये महीना जिस प्रकार की परिस्थिति को लेकर है तो अपने एक्सपेंसेस को बहुत कंट्रोल करके रखिएगा। अपनी वाणी को कहीं पर भी फैमिली के विवाद के अंदर मत उलझाइएगा क्योंकि ये महीना बहुत भाग्यशाली है आपके लिए। बहुत सक्सेस आपको प्राप्त होगी। आपका वाणी का उपयोग, आप कहते हैं ना कि एक कहीं पर भी आपको बोलना है, कहीं पर भी आपका एक तरह से प्रेजेंटेशन है, तो वाणी आपका वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से साथ दे पाएगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर आपके पहले तो लग्न में है और फिर 12th हाउस में है, वक्र अवस्था के अंदर रहेंगे। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई बहनों के साथ जो संबंध है या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ जो संबंध है वहां पर विवाद होने की संभावनाएं बनती है।
परिवार के अंदर मुझे लगता है कि जो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है वहां पर क्लैश होगा। कोई भी फैमिली इश्यूज है या कोई भी प्रकार का, कहते हैं ना कि आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पर आपको डेफिनेटली, यहाँ आप इस चीज को अच्छे से अपने चीज को कह भी पाएंगे। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा। अगर कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन है या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है, तो आप वहां पर डबल चेक कीजिएगा चीजों पर। बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी ईमेल राइटिंग हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, 2 से लेकर 25 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंटेशन में, अपने प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान रखना है। 2 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी बुध वक्र अवस्था में होता है और आपका थर्ड लॉर्ड ही है ये, तो ये कागजात बनाने में गलती करवा देता है व्यक्ति को। या फॉरेन डॉक्यूमेंटेशन या वीजा इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पर भी डॉक्यूमेंटेशन को बहुत प्रॉपर रखिएगा। भाई बहनों के साथ वाद विवाद में मुझे लगता है थोड़ी कमी होती मुझे नजर आती है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी स्थान परिवर्तन होगा, वो इनिशियली आपके लिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा, तो मानसिक तनाव इस महीने मुझे लगता है आपको होगा। तो डिसकंफर्ट मुझे लगता है ये आपके अच्छे के लिए है। और यहाँ पर बुध का वक्री होना ये व्यक्ति को जल्दी से एडजस्ट नहीं होने देता कहीं पर भी कोई परिस्थिति में, तो एडजस्टमेंट इश्यूज रहेंगे, उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थेश चंद्रमा है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बनता है कि प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में मुझे लगता है कुछ खर्च होता हुआ नजर आता है। हेरिडिटी की कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उस विवाद को आप इस महीने रिजॉल्व कर पाएंगे, उससे आपको काफी लाभ होगा। मगर अपनी वाणी को काफी हद तक आप संयम में रखिएगा। 13 से लेकर 23 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। अगर कोई भी बड़े कार्य करने हैं तो आप कर सकते हैं। माता के साथ अगर कोई भी प्रकार का विवाद है तो वो भी आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे, मगर वाणी को संयम में रखना पड़ेगा, चीजों को बहुत पेशेंस के साथ हैंडल करना पड़ेगा। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश सूर्य बनकर 12th हाउस में है शुरू के 12 दिन तक। 13 तारीख को पंचमेश आपके लग्न में आएंगे, और ये एक बहुत ही एक्सीलेंट है हायर स्टडीज के लिए। जो लोग भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस महीने, जिसका भी एग्जाम है, जिसका भी रिजल्ट है, ये महीना आपके लिए 13 तारीख के बाद बहुत ही फायदेकारक है। 13 से जो भी पूरा महीना आपके लिए है मुझे लगता है बहुत भाग्यशाली है। और यहाँ पर एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स को एक एक्सेलेंट रिजल्ट मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये महीना हर तरह के हायर कोर्सेस के लिए बहुत अच्छा है। आपको कहीं पर भी स्टूडेंट्स को घबराने की परिस्थिति नहीं है। गुरु का पूर्ण दृष्टि संबंध है यहाँ पर। डेफिनेटली कहूंगी कि सूर्य का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, तो वहां पर आपको सक्सेस बहुत अच्छा मिलेगा इस महीने। एक बहुत सफलता के योग बने हुए हैं। यहां पर एक चीज कहूंगी कि शेयर मार्केट के अंदर भी डील कर रहे हैं, तो भी 13 तारीख के बाद का समय आपके लिए, 13 से 23 का समय बहुत ही फायदेकारक है। यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा उठाना चाहिए। यहां पर एक चीज कहूं कि चाइल्ड बर्थ की बात की जाए, तो भी 13 तारीख तक आपको मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए 13 तारीख के बाद का समय। यहाँ पर आप अपनी हेल्थ को लेकर मुझे लगता है शुरू के 13 दिन संभल के रहिएगा, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग मत कीजिएगा। 6th हाउस की बात करते हैं, 6th लॉर्ड बुध बनकर आपके पहले तो लग्न में और फिर 12th हाउस के अंदर वक्र अवस्था में होंगे। देखिए, कोई भी विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, कोई भी डिस्प्यूटेड अवस्था से बचना चाहिए। यहाँ पर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, तो ये डेफिनेटली कहूंगी कि ये वक्री भ्रमण जो 2 तारीख से शुरू हो रहा है वो 25 तारीख तक है। बुध का वक्री भ्रमण स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम देता है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, मानसिक तनाव और कभी कभी डिप्रेसिव थॉट्स के कारण भी परेशानियां होती है। चीजें होती सब कुछ करेक्ट है, मगर वो एक चीज या कोई एक मैटर को वो 25 एंगल से देखता है, और उसकी वजह से साइकोलॉजिकली स्ट्रेस क्रिएट होता है। बाकी मुझे लगता है आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि फैमिली के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद है या भाई बहनों के बीच में कोई भी प्रकार का क्लैश है, तो उसको लेकर मुझे लगता है डिस्प्यूटेड अवस्था हो सकती है। बाकी हेल्थ को लेकर इस महीने
आपको डेफिनेटली ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, जिसके भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या जिसके भी ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है या थायराइड जनित कोई समस्या है, तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत पॉजिटिव समय नहीं कहूंगी मैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मानसिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगल का भी दृष्टि संबंध आपके सिक्स हाउस से जुड़ा हुआ है, तो बहुत कहते हैं ना कि कैलकुलेटिव लोन लेने हैं, अगर लोन की अवस्था को, मुझे लगता है कि इस महीने अगर कहीं पर भी लोन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और लेते भी हैं तो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह कर लीजिएगा, क्योंकि बुध वक्री है, मुझे लगता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आएगी, या तो कहीं पर भी आपकी एक कहते हैं ना कि फाइल अटकती नहीं है, मगर मुझे लगता है कोई मिस्टेक हो जाती है जहां पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन में प्रॉब्लम्स आती है, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। और मैं कहूंगी कि आप लोन ले सकते हैं, आप कंफर्ट जोन में रहकर लीजिएगा तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ एक चीज जरूर है कि शत्रु आप पर हावी होने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, तो डिस्प्यूटेड अवस्था से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फायदेकारक नहीं है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत सक्सेसफुल है। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ लॉर्ड शुक्र बनकर ट्वेल्थ हाउस के अंदर राहु के साथ है, और 23 तारीख के बाद मंगल भी ट्वेल्थ हाउस के अंदर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। यहाँ पर गुरु का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध आपके सेवेंथ हाउस से है, तो रिलेशनशिप मुझे लगता है कि अप्स एंड डाउन्स में से थोड़ा सा निकलेगा। पति पत्नी है तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े डिफरेंट रहेंगे, बाकी बहुत विवादित अवस्था नहीं है। गुरु का दृष्टि संबंध होने की वजह से विवाह के लिए भी एक बहुत अच्छा योग बनता है, और मुझे लगता है कि आपके पूर्ण रूप से जो पंचम भाव का स्वामी भी लग्न में है, तो जो लोग भी लव मैरिज करना चाहते हैं, जो भी विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी योग बना हुआ है इस महीने, उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है 13 तारीख के बाद का समय बहुत ही योग्य है अगर कोई भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी विवाद के बिना कार्य होगा तो नहीं होगा, मुझे लगता है पॉइंट ऑफ व्यूज आपके डिफरेंट रहेंगे, तो कहीं पर भी विवाद क्लैश इस वजह से ना हो कि आपके विचारों में मतभेद हो सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर, तो परिवार के अंदर जब भी बातचीत करते हैं तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बाकी बहुत पॉजिटिव समय कहूंगी मैं यहाँ पर। जो भी आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे लगता है इस महीने बिजनेस में काफी खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है, मगर शुक्र उच्च के होने की वजह से आपको विदेश से लाभ भी बहुत प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश मंगल बनकर लाभ स्थान में है, तो रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में काफी लाभ है, मेडिकल वालों को काफी लाभ है, जो भी लॉ प्रोफेशन है उसको भी बहुत लाभ है। यहाँ पर शनि मंगल के कारण आपका माइंड काफी टेक्निकल रहेगा, काफी रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा। यहाँ मंगल की अवस्था ट्वेल्थ हाउस में जाएंगे 23 तारीख के बाद, तो मैं कहूंगी कि विदेश के कार्यों में 23 तारीख के बाद का समय आपके लिए फायदेकारक है। अब बात करते हैं आपके नाइन्थ हाउस के। तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो लग्न के अंदर है, पंचमेश और नवमेश की युति लग्न के अंदर है। ये महीना अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है, आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, अच्छे कार्यों में आपका योगदान होगा, माइंड बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेगा। मगर बड़े डिसीजंस लेने हैं तो शुरू के 23 दिन में लीजिएगा, क्योंकि लग्नेश मुझे लगता है बाद में ट्वेल्थ हाउस में जाते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी समस्या आएगी। मगर जो मास्टर लेवल के कोर्स करना चाहते हैं मेडिकल में स्पेशली, और टेक्निकल डिपार्टमेंट में, या कोई भी टीचिंग के अंदर, तो मुझे लगता है एक एक्सेलेंट योग बना हुआ है कि जिसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो मास्टर्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य का सपोर्ट मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल तक आपके पास है। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश 11वें स्थान में है मंगल के साथ। यहाँ पर ये महीने आप कोई भी जॉबलेस लोग हैं तो शुरू के 23 दिन का समय बहुत अच्छा है, और 13 से 23 के बीच में आपको जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत एक्सीलेंट है।
और यहाँ पर शनि मंगल एक साथ है, तो मुझे लगता है काफी हद तक आप अपने कार्य को प्रिसाइजली कर पाएंगे। और ये समय बहुत ही भाग्यकारक कहूंगी, कोई पब्लिक सर्विस के अंदर है तो भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इलेवेंथ हाउस की बात करते हैं, इलेवेंथ हाउस में ही शनि मंगल है और लाभ के स्थान में है, आपके अष्टम भाव का स्वामी बनकर भी है और आपके लग्नेश बनकर भी है, तो काफी आप कहते हैं एनर्जेटिक रहेंगे। डिसीजन अगर कहा जाए तो शुरू के 23 दिन का समय बहुत अच्छा है, कोई भी बड़े डिसीजन लेने चाहिए तो। जो भी लॉ प्रोफेशन में है आपको पब्लिकली आपको काफी रिकग्निशन मिलेगी। ये महीना मुझे लगता है ऊंचाइयों का है, बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। ट्वेल्थ हाउस की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि महीने में कहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, तो ये महीने में शुरू में सूर्य राहु का योग रहेगा और 23 तारीख के बाद लग्नेश 12th हाउस में जाएंगे, बुध वक्र अवस्था में 12th हाउस में ही रहेंगे। मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, अनिद्रा से संबंधित समस्याएं हो सकती है। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि लग्नेश जब 12th हाउस में जाएंगे और वो भी अंगारक योग के अंदर है, तो इस अवस्था में मुझे लगता है जो लोगों का भी लीगल मैटर चल रहा है तो ये महीना मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रगलिंग फेस रहेगा। लीगल मैटर में बहुत शांति रख के काम करना होगा, बहुत पेशेंस रख के काम करना होगा। बुध वक्र अवस्था में वहीं पर भी है, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई भी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, आपको यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो शेयर होगा वो आपको प्राप्त होगा, मगर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहेगा, बैटल झगड़े बहुत रहेंगे, क्लैश बहुत रहेगा। यहाँ पर मैं ये डेफिनेटली कहूंगी कि खर्च बहुत ज्यादा होता हुआ मुझे नजर आता है। हेल्थ इश्यूज मुझे लगता है 23 तारीख से आपका लग्नेश 12th हाउस में जाएगा, तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं 23 से लेकर 30 तारीख तक। 23 के बाद जो निर्णय होंगे वहां पर एक असमंजस रहेगा, एक दुविधा रहेगी, तो मुझे लगता है कि जो भी बड़े कार्य करने हैं 23 तारीख तक कीजिए। और यहाँ पर कहीं पर भी अगर कोई डाइवोर्स केस चल रहा है तो मुझे लगता है बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा क्योंकि बुध भी वक्र अवस्था में है। बहुत ही अगर कोई फॉरेन डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आपके फॉरेन के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, मगर डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि बुध की वक्री अवस्था यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ करवाती है। और यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि 23 तारीख के बाद विदेश योग बहुत अच्छा बना हुआ है आपका, जाने का योग बनता है, आपके काम बहुत प्रिसाइजली होंगे। और यहाँ खर्च के ऊपर मुझे लगता है कैलकुलेटिव बन के नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर विदेश मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत फायदेकारक है, विदेश से आपको काफी लाभ भी होंगे और यहाँ पर विदेश यात्रा के भी योग बहुत बनते हैं, तो मुझे लगता है ये महीना फॉरेन ट्रैवलिंग से काफी अच्छा लाभ होगा। जहां पर ध्यान रखने की जरूरत है तो आपकी वाणी को संयम में रखिएगा और डॉक्यूमेंटेशन, भले लीगल डॉक्यूमेंट हो या फॉरेन रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, वहां आप मिस्टेक करने से आपको बचना चाहिए। बहुत 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा, किसी की एडवाइस ले लीजिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।